हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एसेम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज दी एम सी क्यूज सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड फॉर द पेपर ऑफ कॉमर्स वन फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन एंड दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दी एम सी क्यू सीरीज तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर लिए हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे तो वो वीडियो को पहले देखे फिर इस वीडियो के एम सी क्यूज को रिवाइज करें तो इसमें हम कुछ बिजनेस एन्वायरमेंट के एम सी क्यूज़ को रिवाइज़ करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर वन डब्ल्यू टी ओ रिप्लेस गैट इन द ईयर नाइनटीन नाइनटी फाइव नाइनटीन फोटी सेवन टू थाउजेंड एंड टू थाउजेंड फाइव तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने रिप्लेस किया था कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड कौन से साल में तो so 1947 में गैट फॉर्म हुआ था और, आ, और उसके बेसिस पे 1995 के ईयर में डब्ल्यू ने गैट को रिप्लेस कर दिया तो राइट आंसर इसका है 1995 क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक्स रिजल्ट इन डैश क्रिएशन तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं बहुत सारे ट्रेड को फ्री फ्लो करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाते हैं जैसे कि नाफ्ता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे कि सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ आपस में मिलके फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड हो और ट्रेड में कोई भी बैरियर्स ना हो इसीलिए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाते हैं तो ट्रेडिंग ब्लॉक्स जो है वो किस में रिजल्ट करता है रिजल्ट्स इन डैश क्रिएशन ट्रेड क्रिएशन डिस्प्यूट्स रेस्ट्रिक्टेड एरिया या ट्रेड बैरियर्स तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रेड बैरियर्स ट्रेड क्रिएशन तो ट्रेड क्रिएशन करने के लिए ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनाए जाते हैं फर्दर कस्टमर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ डैश एन्वायरमेंट कस्टमर्स जो है वो कौन से एनवायरमेंट में आते हैं माइक्रो मैक्रो इंटरनल या आउटसाइडर तो कस्टमर्स जो है वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट एक्चुअली इट कम्स इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो एक्सटर्नल में दो पॉइंट्स हमने पढ़े एक है हमारा माइक्रो दूसरा है हमारा मैक्रो तो इसका राइट right आंसर है माइक्रो एनवायरनमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्रीमेंट्स ऑफ डब्लू ओ ट्रिप्स नाफ्ता साफ्ता या ओपेक तो देखो इसमें से अगर ध्यान से देखे तो नाफ्ता साफ्ता और ओपेक जो है दे आर कंसिडर एज नाफ्ता, साफ्ता एंड ओपेक जो है ये आपस में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने के लिए ट्रेडिंग ब्लॉक्स है लेकिन एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यू के बारे में पूछा है तो डब्ल्यूटीओ का एग्रीमेंट इसमें से कौन सा है इसमें से है ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक एग्रीमेंट है ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इंटलेक्चुअल बट यहाँ पे हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इससे मैच करता है दैट इज कॉल्ड ट्रिप्स राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ट्रिप्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ विच इज दंसिडर्ड एज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द बिजनेस इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हम बिजनेस से सेपरेट नहीं कर सकते मैनेजमेंट डायरेक्टर्स एनवायरमेंट या शेयर होल्डर्स वैसे देखा जाए तो सारे के सारे पॉइंट्स रिलेट कर रहे हैं बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते बिजनेस से राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनवायरमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर पार्ट ऑफ विच एनवायरमेंट तो ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स फाइनेंशियल रिसोर्स ये किसका पार्ट है इंटरनल एक्सटर्नल माइक्रो या मैक्रो तो वो किसका पार्ट है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स है फाइनेंशियल रिसोर्स है मिशन एंड ऑब्जेक्टिवस है प्लान एंड पॉलिसीज़ है ये सारे के सारे पॉइंट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवन द एनवायरनमेंट विच रिलेट्स विद लैंड वाटर आयन और क्रूड ऑयल इज़ नेचुरल एन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखो लैंड वाटर ये सारी चीजें इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है और इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को ही हम क्या कहते हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को ही हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं तो इसका राइट right आंसर बन जाएगा नेचुरल एनवायरमेंट तो न राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेचुरल एनवायरमेंट क्वेश्चन नंबर एट एम एफ एन क्लॉस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम एफ एन का फुल फॉर्म है मोस्ट फेवर्ड नेशन तो डब्ल्यू अपने मेंबर कंट्रीज को मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा देता है ताकि वहाँ पे ट्रेड के बैरियर्स जो है वो रिमूव हो सके तो एम एफ एंड क्लॉस किसका मेन ऑब्जेक्टिव है नाफ्ता सार्क आई एम एफ आई एम एफ मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या डब्ल्यू टी ओ तो राइट right आंसर इसका क्या होगा राइट right आंसर इसका होगा डब्ल्यू टी ओ दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर नाइन डब्ल्यू टी ओ इज़ अ फोरम ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज वन एटी वन फिफ्टी नाइन वन सिक्सटी सेवन या वन सेवनटी नाइन तो डब्ल्यू टी ओ जो है वो कितने कंट्रीज का फोरम है वो 159 कंट्रीज का फोरम है तो इट्स एन फोरम ऑफ 159 कंट्रीज क्वेश्चन नंबर टेन डैश इज एन ट्रेडिंग ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ तो इनमें से कौन सा ऐसा ट्रेडिंग ब्लॉक है जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने आपस में मिल बनाया है सार्क सार्क तो साउथ एशियन एसोसिएशन है मतलब ये एशियन कंट्रीज़ का ट्रेडिंग ब्लॉक है ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ये तो गल्फ कंट्रीज़ का ट्रेडिंग ब्लॉक है नाफ्ता नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में ही यूएसए मेक्सिको और कैनाडा का ये ट्रेडिंग ब्लॉक है ईयू ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बिकॉज ईयू इज एन ट्रेडिंग ब्लॉक कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन कंट्रीज तो राइट right आंसर इसका बनेगा ई यू दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं आपके सारे कंसेप्ट इसमें से क्लियर होते हैं या नहीं तो जस्ट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आया होगा तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज अगले बार मैं जब वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर